हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विथ हर्षद। तो दोस्तों, जो लोग टू व्हीलर सीखते हैं गियर वाला बाइक, वो लोग सीखते समय उनका क्लच और एक्सेलेटर के वजह से बाइक बंद गिर जाता है। तो वही चीज़ को लेके आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्लच और एक्सेलेटर का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट साइड में है हमारा क्लच है और राइट साइड में हमारा एक्सेलेटर है और पैरों में हमारा गियर दिया हुआ है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमें क्लच को पूरी तरह से दबा के बाद में गियर डालना है। ये ध्यान रखना है कि क्लच हाफ नहीं है, वो पूरा दबा होना चाहिए, नहीं तो आपका गियर ख़राब हो सकता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्लच को पूरी तरह से दबा के बाद में गियर डालना है। हमने गियर डाला तो हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। गाड़ी स्टार्ट है, हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। उसके बाद एक हाफ क्लच आने के बाद हमारा गाड़ी मोशन करने लग जाएगा, आगे पीछे होने लगेगा। तो जैसे ही हमारा गाड़ी मोशन करता है तो हमें एक्सेलेटर से गाड़ी को पावर देना है और क्लच को धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ के दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हमारा गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। जिस टाइम हम नए रहेंगे उस टाइम हमारा ये क्लच और इसका कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत रहेगा, मतलब एक दो बार हम सीखते समय गाड़ी बंद हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब तक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब तक आपको ये प्रैक्टिस करने का है। तो हम सेम चीज़ सेकेंड गियर के साथ भी करेंगे। जब आपका गाड़ी 10 से 15 या 15 से 20 के स्पीड के आसपास रहेगा, उस टाइम हमें क्लच दबाना है, सेकेंड गियर डालना है। सेकेंड गियर डालने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और सेम एक्सेलेटर करना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, सेकेंड को भी ऐसे ही होगा, थर्ड को भी ऐसे ही होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी रोकते समय गियर को कैसे शिफ्ट करना है। सबसे पहले हमारा गाड़ी 30 या 40 के स्पीड तक जब रहेगा तब हमें गाड़ी को लेफ्ट साइड में लेके आके क्लच दबाना है और गाड़ी को फर्स्ट गियर पे लेके आना है। फर्स्ट गियर पे आने के बाद हमें एक्सेलेटर को पूरी तरह से कम करना है और पीछे के ब्रेक को धीरे धीरे मार के गाड़ी को स्लो करना है और पैर को जमीन की तरफ लेके आना है, इससे हमारा गाड़ी रुक जाएगा। अभी मैं आपको गाड़ी प्रैक्टिकल में चला के दिखाता हूँ। अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट है, ये देखिए गाड़ी मेरा स्टार्ट है और गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है। हमें क्लच को दबाना है पूरी तरह से, हमने क्लच को दबाया और उसके बाद हम गियर शिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ। हमारा अभी फर्स्ट गियर गिर गया है, पैर नीचे की तरफ है, हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहे हैं। हमारा हाफ क्लच आने के बाद हमारा गाड़ी मोशन करने लगा है, हमारा गाड़ी आगे आगे बढ़ने लगा है। तो हमें रेस को भी धीरे धीरे देना है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो हमारा गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो गया है। देखिए सेम चीज़ करनी है हमें, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सेलेटर को देना है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये देखो हमारा गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया है, सेम हमें चलाते रहना है। अभी लग रहा है कि हमारा गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, 10 से 15 की स्पीड तक हमारा गाड़ी आ गया है। हमें क्लच को दबाना है, वापस एक गियर डालना है और धीरे धीरे रेस देते रहना है। गाड़ी चलते हुए और सीधे सीधे चलाना है अपना, हमें जब तक जैसे लगता है कि हमारा बैलेंस बन रहा है वैसे चलाना है। और ध्यान रखना गाड़ी को रोड के लेफ्ट में ही चलाना है, ज़्यादा बीच में नहीं चलाना है। रोकते टाइम हमें सेम चीज़ फॉलो करनी है, क्लच दबाना है, गाड़ी का गियर फर्स्ट गियर पे लेके आना है, क्लच ऐसे ही रखना है और पीछे के ब्रेक से गाड़ी को स्लो करना है तो गाड़ी रुक जाएगा। दोस्तों, तो अब हमने आपको बताया कि क्लच और एक्सेलेटर का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो ये चीज़ हम आप सेम फॉलो करोगे तो आपका गाड़ी बंद नहीं गिरेगा और आप बहुत जल्दी गाड़ी सीख जाओगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और ऐसी नई नई वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।